ये नीचे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये वाला, और ये इसका डॉकिंग स्टेशन है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये इसका डॉकिंग स्टेशन है, और ये तीसरा कंप्यूटर है। ये तीनों जो हैं कनेक्टेड हैं एक डिवाइस के साथ। Hi guys and welcome to This Lifestyle in Europe. आज मैंने सोचा मैं आपको अपनी वर्क फ्रॉम होम रूटीन के बारे में बताऊं। लेटली आपने शायद नोट किया होगा कि मैं बहुत बिजी रहा हूं अपने काम में। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों इतना बिजी था। इस वक्त मैं तीन कंपनीज के लिए काम कर रहा हूं, तीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। उनकी टोटल वर्थ है 3 लाख यूरोस पर ईयर। एक प्रोजेक्ट ऑफशोर रिग के बारे में, इसमें पूरे प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बना रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट वैसे है जैसे आप जब कोई नई चीज़ खरीदें किसी दुकान से, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें डिटेल से लिखा होता है कि इसे आप अनपैक और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कैसे करेंगे, बंद कैसे करना है, इसके डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर भी होता है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। उस मशीन के बनाने वाला जो इंजीनियर है इस तरह की बुकलेट बनाता है ताकि वो जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। तो मैं इसी तरह इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो डिफरेंट फिलोसफीज हैं वो बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप एंड शटडाउन रिपोर्ट, इंसुलेशन फिलोसफी, लीक टेस्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह। एक पूरा प्लेटफॉर्म में तो कंप्रेसर्स, सेपरेटर्स, कूलर्स, स्क्रबर्स बहुत सी वैल्व होती हैं, तो पूरे प्लेटफॉर्म को स्टार्ट या शट डाउन करना इतना आसान नहीं है। एक स्पेशल सीक्वेंस से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना होता है और इसी तरह शट डाउन करने के लिए भी एक स्पेशल तरीका होता है, वरना इक्विपमेंट पे हैवी लोड पड़ सकता है। जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वो रिफाइनरी का है, वो रिफाइनरी की बॉटल नेक स्टडी है जो इंक्रीज कैपेसिटी और फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में है। उसमें मैंने कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस के ज़रिए चेक करना है कि अगर हम गैस की कैपेसिटी 84 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे से इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिफाइनरी में कितनी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कौन कौन से इक्विपमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तीसरा प्रोजेक्ट एक मलेशिया की कंपनी यनसन के लिए है। ये ब्राज़ील के लिए एक FPSO बना रहे हैं। FPSO एक शिप की तरह होता है, वो शिप में वो सारी चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ें जो कि प्लेटफॉर्म ब्रिज पर होती हैं, तो उसका वही काम है, ड्रिल करना, ड्रिल भी कर सकता है, प्रोड्यूस भी हल करता है, सेपरेट भी करता है और स्टोरेज भी करता है। इसमें मैं फ्लेयर रिकवरी स्किड डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कि ऐसा है कि जो गैस फ्लेयर के थ्रू हर साल जल के ज़ाया हो जाती है, उसे हम फ्लेयर में जलाने की बजाय प्रोसेस में, यानी वापस रिकवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेयर सिस्टम पेट्रोलियम रिग का या रिफाइनरी का सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी सिस्टम होता है। अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं तो एग्जांपल ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर की, जो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों ने घर में ट्राई किया होगा। हम ट्राई नहीं करते प्रेशर कुकर का, लेकिन कई मैंने देखा है कि देसी लोग प्रेशर कुकर पर खाना बनाते हैं, और अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर एक वाल्व लगी होती है जिसे कहते हैं प्रेशर सेफ्टी वाल्व, यानी कि PSV। जो ही उस कुकर का प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा होता है तो उसकी ये PSV वाल्व खुल जाती है और कुकर में से भाप बाहर निकलती है। अगर ये PSV वाल्व नहीं खुले तो प्रेशर कुकर का अंदर जो है वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है और फिर एक टाइम पर आके वो फट जाता है। प्लेटफॉर्म पे पेट्रोलियम गैस का प्रेशर जब बढ़ जाए तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी एक PSV वाल्व होती है जो कि खुल जाती है और फिर वो जो पेट्रोलियम गैस है वो उस PSV से गुजर के पाइप में से ऊपर फ्लेयर की तरफ जाती है और वहाँ पे फ्लेयर में जल के वो बाहर निकलती है। तो उसको जलाते इसलिए क्योंकि रॉ पेट्रोलियम गैस बाहर हो तो वो अच्छा नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। तो जब उसको जलाते हैं तो उसमें से बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं जैसे कि CO2
वगैरह प्लस और भी बहुत खतरनाक सी गैसेस, और ये CO2 जो है ये एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं है, और आजकल जो है एनवायरनमेंट पे वैसे ही इतना फोकस हो रहा है, तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी है फ्यूचर का ये प्लान है कि जो भी वो नई फील्ड डेवलप करें या प्लेटफॉर्म बनाएं तो उसमें कम से कम फेयरिंग करें। ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे इस दौरान बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्योंकि इन तीनों कंपनीज के अपने अपने डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और कम्युनिकेशन और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं, जिसकी वजह से मुझे तीन डिफरेंट लैपटॉप्स पे काम करना पड़ रहा है। इन तीनों लैपटॉप्स को इन दोनों स्क्रीन से कनेक्ट करने का ईजी रास्ता जो मैंने ढूंढा है वो इस डिवाइस से है। ये तीनों कनेक्टेड हैं मेरी इस डिवाइस के साथ, ये कीबोर्ड और माउस की तार भी एक तरफ यहाँ पे इसमें गई है, और ये आगे कनेक्टेड है स्क्रीन के साथ। तो ये उन तीनों के हेडफोन, तीनों कंप्यूटर के हेडफोन हैं। इंस्टेड ऑफ के मैं उनको बार बार डिसकनेक्ट करूँ और कनेक्ट करूँ, तो मेरा यहाँ पे ये एक कंप्यूटर है, मैं इस बटन को जब क्लिक करता हूँ तो स्विच हो जाता है दूसरे कंप्यूटर पे, और मुझे सिर्फ यहाँ से स्क्रीन को सोर्स इनपुट जो है वो चेंज करनी है। सो ये जो है वो हो गया, और इसी तरीके से ये मैं दूसरा कंप्यूटर खोल गया। तो मैं सुबह से रात तक इन तीनों प्रोजेक्ट्स में बिजी होता हूँ, और पिछले 8 महीने से मेरी रूटीन यही थी, सिर्फ काम काम काम, और थोड़ा बहुत जो टाइम मुझे मिलता है वो सईदा और बच्चों के साथ एक्टिविटीज मैं कर लेता हूँ। अभी लकीली इस पिछले फ्राइडे को मेरा ऑफशोर रिग वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, तो और नेक्स्ट फ्राइडे को मेरा FPSO का जो प्रोजेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो शायद एक्सटेंड स्कोप की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है चंद महीने का एडिशनल स्कोप भी मिल जाए। बाकी जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है वो तो बहुत लंबा है और ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का है, तो वो 2024 तक चलता रहेगा। अब एक प्रोजेक्ट के ख़त्म होने की वजह से मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो मैं और भी वीडियोस पेट्रोलियम रिलेटेड बनाऊंगा, तो फिर जल्दी मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।